अच्छा, ये हर 6 महीने बाद क्यों करवानी चाहिए? क्या हालात हैं? अच्छा भाई, ये रेडिएटर का टॉप है, इसकी जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। पुराने वालों की हालत खस्ता हो गई थी, फौरन लग गए। सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। खैर, कुछ गाड़ी के काम पेंडिंग है, आहिस्ता आहिस्ता उनको कवर अप करना है, करवाना है, तो देखते हैं आज कितने होते हैं और आप लोग को दिखाता जाता हूँ साथ साथ। सो लेट्स गो। सबसे पहला काम जो है वो है जाके रेडिएटर की सर्विस कराना। मैं करवाता हूँ डिस्को बेकरी के सामने से, एक काका भाई उनका नाम है। उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप हर 6 महीने बाद आके करवाया करो, तो अब 6 महीने पूरे हो गए हैं, क्यों करवाना चाहिए, अब वो जाके उन्हीं से पूछते हैं। काका भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बस रेडिएटर की अब सर्विस होगी, खोलेंगे सारी चीज़ें और फिर उसके बाद बताते हैं कि किस हालत में था। अच्छा, ये हर 6 महीने बाद क्यों करवानी चाहिए? असल हमारे यहाँ जो ना शहर में हर सब जगह खुदा पड़ा है, मट्टी इतनी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बिल्कुल ऐसा है, कूलेंट कोई डालता नहीं है, जेन्युइन पानी डाल के चला रहे होते हैं तो पानी तो फिर कचरा पैदा करता है। सही। तो उसकी वजह से फिर चौक हो जाता है, फिर उसका एसी ट्रिप हो जाता है। अच्छा, गाड़ी वाले सोचते हैं यार चलो एसी खराब हो गया, 99% ज्यादातर रेडिएटर का मसला आता है। क्या हालात हैं? ये देख रहे हैं आप, ये नालियाँ देख रहे हैं कैसे बंद हो गई हैं। ये इसकी ये पानी, हाँ ये चोक हो गया है, इसकी वजह से पानी नहीं घूमता तो गाड़ी गर्म हो जाती है, पानी की सर्कुलेशन जो है ना बंद हो जाती है, उसकी वजह से गर्म हो जाती है। और ये देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से ऐसे जैसे ब्लैक है ना, तो पूरा ब्लैक होता है। गाड़ी हीटअप हो गया, इसका कलर भी देख रहे हैं कैसे चेंज हो गया, ग्रीन कलर हो गया, जेन्युइन ये ब्लैक होता है। साइन तो शो नहीं किया, यही तो मसला है, इन गाड़ियों में साइन शो नहीं होता आसानी से। सफाई जारी है रेडिएटर की। अच्छा भाई, ये रेडिएटर का टॉप है, इसकी जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, अंदर इसके लाइनें आ चुकी हैं हीटअप होके, सामने है सिचुएशन। तो ये भी अभी चेंज ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये कह रहे हैं 2-3 महीने चलेगा और ये चलते चलते कभी भी फट सकता है, तो राधर ने टेकिंग अ रिस्क इसको करवा लेना चाहिए। सही, ये है भाई नया टॉप इसका, रेडिएटर का टोटल ब्लैक, कहीं से कलर फेड नहीं है ना, अंदर कोई लाइनें हैं। लगे हाथ छत की लाइट भी चेक करवा रहा हूँ। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा तो उसमें मैंने बताया था कि छत की लाइट काम नहीं कर रही, अब इलेक्ट्रीशियन को बोला है कि वो सही कर सकते हैं, तो लेट्स सी काम होता है कि नहीं। क्यों खराब है ना, करंट तो आ रहा, जेनिन एलईडी थोड़ी आई है इसमें। वाह भाई, काम हो गया ये तो। अच्छा हसन भाई, क्या मसला था जरा बताएंगे? नहीं, ट्यूब का फॉल्ट है। ट्यूब का क्या मसला था? पहले भी तो हल्की हल्की जल ही रही थी। ट्यूब खराब है। ट्यूब खराब थी? ट्यूब, ये चाइना की ट्यूबें होती हैं, खराब हो जाती। अच्छा, तो गाइस काम मेरा सारा वीआईपी हो चुका है, बहुत अच्छा काम करते हैं और टू द पॉइंट काम होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या वो नहीं होते बंदे घेरने वाली बात। एक रेफरेंस ही गया था मैं इनके पास, तो मेरा काम बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। आपको अगर इनसे काम करवाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा इनका, इनकी शॉप है डिस्को बेकरी के बिल्कुल सामने। काका भाई को अगर आप बोलेंगे कि मेरे रेफरेंस से आए हैं तो आपके साथ अच्छे रेट में काम हो जाएगा।
मगरिब का टाइम हो गया, पहले मगरिब फिर बाकी काम। दूसरा काम है गाड़ी के हॉर्न का, तो वो अभी मैं जाके देखता हूँ उसका टाइम बचता है यानी होपफुली वो करवा लेते हैं आज ही। पुराने वालों की हालत खस्ता हो गई थी, मेरे घर से पानी छानी चला गया था, अब ये नया लाया हूँ, ये थोड़ी दूसरी कंपनी के, कह तो रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाला है। ये वाला था 1150 का, ये वाले मिले हैं 1350 के, पर क्या है आवाज़ ज़्यादा है, जब देखते हैं कितनी ज़्यादा। हॉर्न तो बज गए, हॉर्न लग गए, बजा के चेक करते हैं। 3, 2, 1 माशाल्लाह। खैर आज के दो काम तो हो गए, बाकी काम किसी और दिन टाइम निकाल के करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।